अभी मैं आपके पास कुछ बहुत ही खास तस्वीरें लेकर आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी तस्वीरें जो पहले आपने बरसों तक नहीं देखी होंगी। ये बनारस की तस्वीर है और मतलब इसमें इतने सारे रंग हैं जो देखकर किसी को भी मोहित कर दे। कहीं पान खाते हुए तस्वीरें, कहीं चाय पीते हुए तस्वीरें, कहीं डमरू बजाने की तस्वीर, एक से बढ़कर एक तस्वीर। आज पूरे दिन न्यूज चैनल प्रधानमंत्री मोदी कभी यूक्रेन की खबरों में होते रहे, कभी वो यूक्रेन की खबर दिखाते, कभी प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों की रैली जो प्रधानमंत्री मोदी ने निकाली उसकी खबर तो आपने खूब सारी देखी। लेकिन देर रात होते होते जिस प्रकार की तस्वीरें आई वो किसी ने नहीं दिखाई, और इसीलिए मैं चाह रहा था कि मेरे दर्शक जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं वो ज़रूर इन तस्वीरों को देखें। मैं एक एक करके इन तस्वीरों के बारे में आपको बताता हूं। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी आज कई घंटे तक उन्होंने बनारस में रोड शो किया, उसके बाद वो BHU के पास जाकर मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया, और उसके बाद जब वो वापस लौटे तो उन्हें एक चाय की दुकान दिखाई पड़ी और फिर वहाँ पर वो चाय पीने के लिए रुके, चाय की चुस्कियाँ ली। और मतलब ये तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने बचपन में चाय बेची है, तो चाय के साथ उनका कनेक्शन, न सिर्फ उनका बल्कि जो चाय बेचते हैं इस देश में लाखों करोड़ों लोग जो चाय से जुड़े हैं, चाय के कारोबार से जुड़े हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कितना एक अपनापन महसूस करते हैं आप इन तस्वीरों में देखिए। वही केतली और मिट्टी के प्याले में चाय पीते हुए, ये तस्वीर किसी को भी गर्व से भर दे। ये तीन तस्वीरें आई हैं और ये तीनों तस्वीरें मतलब वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का जो अपनापन है वो देखते ही बनता है। अब आप इस तस्वीर को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी रास्ते में पान खाने के लिए रुके। अब बनारस में बनारसी पान के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी भी अपने इस मोह को छोड़ नहीं पाए, और यकीनन इस प्रकार की तस्वीर इससे पहले कभी नहीं आई। बनारस की गलियों में मतलब विश्वनाथ मंदिर में और बाकी जगहों पर, स्टेशन पर उन्हें इस प्रकार से चलते हुए तो लोगों ने खूब देखा, लेकिन एक पान की दुकान में प्रधानमंत्री मोदी रखे और उन्होंने पान खाई, ये तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर किसी को भी प्रफुल्लित कर दे। यह अपने आप में बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, और इसीलिए मतलब कहता हूँ ना कि लोकतंत्र में जब चुनाव का समय होता है तो वो वाकई नेताओं के लिए ही नहीं बल्कि पब्लिक के लिए भी एक खूबसूरत पल होता है। ये तस्वीर कुछ उसी तरह की है। अब आप इस तस्वीर को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जब काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे तो जब वहां से वो गुजर रहे थे तो इस दौरान ढोलक की थाप से उनका स्वागत किया गया, तो प्रधानमंत्री मोदी खुद को रोक नहीं पाए और वो भी उन लोगों के बीच पहुंचे, उनसे ढोलक अपने हाथों में लिया और फिर वो भी बजाने लगे। मतलब एक ऐसा सुंदर दृश्य जो किसी के भी मन को लुभा दे, और ये तस्वीरें जो है वो बनारस के लोग इसमें अपनापन महसूस करते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी में खुद को महसूस करते हैं, और यही वो तस्वीरें हैं जो मतलब बनारस के पूरे मूड को बदलने वाला है। कुल मिलाकर देखें तो बनारस में आज एक से बढ़कर एक भव्य, दिव्य और शानदार तस्वीरें देखने को मिली। ये तस्वीरें बनारस के लोगों के दिलो दिमाग में छा जाने वाली हैं। प्रधानमंत्री मोदी बनारस से कितना प्रेम करते हैं, कितना अगाध प्रेम है उनका, ये तो बार बार दिखता है, लेकिन जब वो बनारस आते हैं तो किस प्रकार अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, लोगों के बीच जाकर प्रदर्शित करते हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है।
तो कुल मिलाकर मैं इन तस्वीरों के सहारे छोड़कर आपको जा रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि मैंने जिस प्रकार से लेटेस्ट तस्वीरें आप लोगों के लिए प्रस्तुत करने की कोशिश की हैं वो आपको पसंद आएंगी। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मैं इस तरह की खबरें आप सबके बीच पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।